Hello everyone, welcome back to Dev Academy on Glasses and thank you so much for supporting my previous series of Algebra and Trigonometry. Algebra and Trigonometry का कुछ टॉपिक भी बचा हुआ है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर नंबर 2 बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 कैलकुलस की बुक, ठीक है, कैलकुलस कलन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 है ये, और मैं पूरा का पूरा जो हमारा कैलकुलस का टॉपिक रहेगा उसको मैं हिंदी बनाने वाला हूँ। एंड हमारे टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस क्या है, मैं कौन सा सिलेबस कंटेन कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2 कैलकुलस का पार्ट है। फर्स्ट इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस और तीसरा जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट में है यूनिट 1 यूनिट 2 जिसमें है एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूअस फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, डिफरेंसिबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, मैकलॉरिन थ्योरम एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। यूनिट 2 में है एसिम्प्टोट्स वगैरह है। यूनिट 3 में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस बार। फिर है यूनिट 4 में डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें वैसे आपके पास में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, सेकंड ईयर में ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए हमें कम से कम इतना हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जैसे ये फर्स्ट हो गया x plus a whole to the power n, ये है बाइनोमियल थ्योरम हमारा, x to the power n x to the power n minus 1 a plus nc2 x to the power n minus 2 a square plus up to so on a to the power n, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये भी आपको याद रहना चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसको बता देता हूं मैं, a to the power x का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, a to the power x का एक्सपेंशन जो है आपको याद रहना चाहिए, 1 plus x plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 up to so on, और e to the power minus x का भी याद रहना चाहिए, बस इसे माइनस हो गया, अल्टरनेटिव माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, e to the power minus x का एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर e to the power x का, इसके बाद आपका log x का रहना चाहिए याद आप लोग को, कम से कम log 1 plus x का x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4 plus up to so on, log 1 minus x का याद रहना चाहिए, minus x minus x square upon 2 minus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4, ये हो गया। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये आ गया आपके पास में, सब्ट्रैक्ट किया गया तो इसलिए डिवाइड में आ गया, ठीक है। sin x का याद होना चाहिए, sin x का x minus x cube upon factorial 3 plus x upon factorial 5 minus alternate plus minus चलता है, और यहाँ पावर भी यहाँ पे ऑड नंबर्स रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इवन नंबर्स रहते हैं। तो cos x equal to 1 minus x square upon factorial 2 plus x to the power 4 upon factorial 4 minus up to so on, तो कम से कम ये जो लगे हुए टिक हुए हैं ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आगे हम इसको यूज कर सकें, ठीक है। देखिए आगे कुछ सीमाएं हैं, महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, इसको आप जानते हो, साइन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो पर, क्योंकि जब साइन जीरो हो जाएगा तो जीरो ही मिलेगा हम लोग को, कॉस जीरो पे वन मिलेगा, टेन जीरो पे जीरो मिलेगा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू वन होती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है फिफ्थ हमारा, वन प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर एक्स है, और एक्स अगर टेंड्स करता है इनफाइनाइट की ओर तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ई क्या है, एक इरेशनल फंक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.7 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इरेशनल फंक्शन है, इरेशनल नंबर है तो अप्रोक्सीमेट है इसकी वैल्यू। a to the power x minus 1 upon x की वैल्यू होती है x tends to 0 पे log a, और tan x upon x की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा कुछ सीमाएं हमारे पास में, सीमाओं का बीजगणित है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है प्लस में है, अगर उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर उस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर एक फंक्शन में, मतलब कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स है और लिमिट पूरे के बाहर में है, तो यहाँ पे हम लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है उसके बाहर में लिमिट लगा हुआ है तो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों में लिमिट को, तो लिमिट साइन एक्स हो जाएगा प्लस लिमिट कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है।
माइनस वाले टर्म के लिए भी सेम वैसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर अगर के साथ में कोई फंक्शन है, के कांस्टेंट है, तो हम के को बाहर निकाल सकते हैं लिमिट के। एफ एक्स और जी एक्स है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो लिमिट को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहाँ तक डिवाइड में भी अगर लिमिट है तो उसको लिमिट को उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये होती है लिमिट की एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, हो गई सीमाओं का बीजगणित। अब देखो किसी फलन लिमिट का डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो किसी फलन एफ एक्स की सीमा एल कहलाती है, ठीक है, लिमिट एल कहलाती है, ज्यो ज्यो एक्स जो है एक ओर प्रवृत्त होता है, ठीक है, एक्स टेंस टू ए होता है, तब एफ एक्स जो है, लिमिट यहाँ पे लगा दिए, एफ एक्स जो है किसके बराबर होती है, एल के बराबर होती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कब होती है, यदि और केवल यदि वाम हस्त और दक्षिण हस्त सीमाएं दोनों विद्यमान हो व एल के बराबर हो, या वे दोनों बराबर होते हैं तब, ठीक है, अर्थात लिमिट एफ एक्स जो है एक्स टेंस टू ए पे एल के इक्वल होती है, यदि और केवल यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ए माइनस लिखा है मतलब कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ए प्लस लिखा है मतलब कि वो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, तो विद्यमान होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे एल लिखा हुआ है मतलब कि वो कोई फाइनाइट नंबर ही मिलना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर मिलके इक्वल होना होगा तब भी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बोलेंगे उसको, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या सीमा का अस्तित्व है करके, सीमा विद्यमान है करके, ठीक है। अब देखिए आगे दर्शाइए कि लिमिट एफ एक्स जो है एक्स टेंस जीरो पे विद्यमान नहीं है, अब नहीं है करके पहले प्रूफ करना है, तो उसके लिए देख लेते हैं। फंक्शन दिया है आपके पास में, फंक्शन मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो मिल गया है, मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है जीरो मिल चुका है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब कि एफ एक्स, ठीक है, लिमिट जो है एक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है, और एक जगह पे क्या पे है जीरो है, ठीक है, जीरो दिया है माइनस एफ एक्स। तो देखिए लिमिट अगर जीरो को हटाते हैं तो आप एच रखना पड़ेगा, एच टेंस टू जीरो, और एक्स जगह पे जीरो माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये रखते हैं हम लोग, पहले भी किए हैं, तो एच टेंस टू जीरो पे हमने इसको इलेवेंथ पे लिमिट निकाल चुका है, ठीक है, तो फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच हो जाएगा, तो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच हो गया, ठीक है, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच हो गया अपॉन जीरो माइनस एच। तो देखिए मॉड अगर मॉड के अंदर माइनस वैल्यू है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लस एच हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो यहाँ पे एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा, एच और एच कट गया तो बचा क्या वन, और इस माइनस की वजह से माइनस वन बच गया, माइनस वन को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे जीरो बचेगा। तो किसी नंबर पे हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एच यहाँ पे हट गया है, तो डायरेक्टली हम माइनस वन को लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिली माइनस वन, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच सबसे पहले एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, अब जीरो को हटाएंगे एक्स को हटाएंगे तो क्या रखना पड़ेगा हमें वहां पे एच टेंस टू जीरो, तो एफ जीरो प्लस एच हो जाएगा। इसके बाद देखिए फंक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, तो लिमिट जो है एच टेंस टू जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो यहाँ पे एच अपॉन एच दोनों कट गया बचा क्या वन, तो यहाँ पे मिल गया वन, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिला प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था, लिमिट विद्यमान नहीं है करके, ठीक है, इसलिए यहाँ पे विद्यमान नहीं है करके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहता है, ठीक। यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुआ है उसको बताया था हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल तो दे दिया गया है, इक्वल हमें नहीं निकालना है, हमें जब जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो कब जीरो के इक्वल नहीं होगा, जब जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, तो जब जीरो से बड़ा होगा तो मैं इसके लिए जो मॉड का फंक्शन है उसका डेफिनेशन बताता हूं। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो उसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन जीरो होगा, तो बस इसी को लिया गया है। तो देखियो एफ एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो ले देते,
और ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, और यहाँ पे तो x है ही, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी x, और यहाँ पे x ऑलरेडी है तो वो x आ जाएगा, तो x अपॉन x इक्वल टू 1 मिल गया। और कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए अलग से जो एच लगाते हैं एक्स टेंस जीरो करते हैं वो सब नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स लेस देन जीरो होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या मिलती है हमें, माइनस एक्स इक्वल मिलती है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स और एक्स कट गया, बचा क्या माइनस वन, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रेटर देन जीरो है वो हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, और ये जो लेस देन जीरो है वो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सीमा विद्यमान नहीं है करके, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे दिया गया मूल्यांकन कीजिए, यहाँ पे हमें मूल्यांकन कहना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आता है करके, ठीक है। तो लिमिट जो है x टेंस टू जीरो पे x टू द पावर p साइन वन अपॉन p, p कोई धन पूर्णांक है तो उसके लिए हमें निकालना है। तो देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू जीरो माइनस कह दिए, तो x टू द पावर p साइन वन अपॉन x हो गया, तो मैंने जो बनाया था सॉल्यूशन किया था वैसे बना हुआ है जीरो माइनस एच, यहाँ पे क्या कह दिया गया x जगह पे h टेंस टू जीरो कह दिए, और यहाँ पे x जगह पे क्या जाएगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जीरो माइनस एच हो जाएगा, तो जीरो माइनस एच होल टू द पावर पी साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच हो जाएगा, तो माइनस वन टू द पावर पी प्लस वन। अब यहाँ पे पी प्लस वन कैसे हो गया, ये जो माइनस है माइनस एच, क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा होती है, तो यहां से क्या किया गया है कि माइनस को यहां से बाहर निकाल दिए, इसलिए साइन वन अपॉन एच ही बचा हुआ है, तो माइनस वन जब वहां से बाहर निकालेंगे तो इसके साथ में माइनस वन को बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो इसके साथ में पी प्लस वन, देखो माइनस वन टू द पावर पी प्लस वन हो गया, और एच के पावर में क्या है पी ही है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कहना है हमें, एच टेंस टू जीरो कहना है, जब एच टेंस टू जीरो कहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू वैसे भी साइन का आप कुछ भी मान ले लो कितना मिलता है हमेशा माइनस वन और वन के बीच होती है, ठीक है, मतलब बाउंडेड होता है। अब इसके बीच में कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ में तो पूरा क्या हो जाता है जीरो के इक्वल हो जाता है, इसलिए साइन को यहाँ पे लिखा गया है साइन अपॉन एच की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच एक परिमित मान होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो, एच टेंस टू जीरो पे एच जीरो टू द पावर पी है तो जीरो ही मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो पूरा का पूरा जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो मिलेगा, पता कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला जीरो मिला। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो देखो राइट हैंड लिमिट के लिए जीरो प्लस कह दिए, जीरो प्लस कहते हैं यहाँ पे जीरो प्लस एच हो जाएगा पी है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, एच टू द पावर पी हो गया साइन वन अपॉन एच हो गया। तो यहाँ पे जब एच टेंस जीरो कहते हैं और साइन की वैल्यू वैसे भी जीरो और वन और माइनस वन के बीच ही होती है, ये तो वैसे भी वन और माइनस वन के बीच ही, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो वैसे भी जीरो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या मिल रहा है हम लोग को, जीरो मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें जीरो मिल रहा है और राइट हैंड लिमिट भी हमें जीरो मिल रहा है, तो अगर दोनों लिमिट इक्वल मिल रहे हैं, ये भी दोनों इक्वल हो गए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो गया लिमिट करके हम बोल सकते हैं, और इसकी लिमिट क्या होगी, दोनों की वैल्यू जीरो है तो इसकी लिमिट जो है जीरो हो जाएगी, तो डायरेक्टली अब प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जो इसका लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो x टू द पावर p sin 1 upon x की वैल्यू जीरो मिलेगी, और p क्या है धनात्मक पूर्णांक है, i प्लस, जब भी i प्लस लिखा है मतलब कि वो धनात्मक पूर्णांक है, उसमें जीरो को भी नहीं लिया जाता है, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक मतलब कि क्या हो जाएगा वो वन से स्टार्ट होगा, वन टू मतलब कि वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, और अगर कहीं पे ऋणेतर पूर्णांक लिखा हुआ है, ऋणेतर पूर्णांक लिखा है मतलब कि ऋण को नहीं लेना है, ठीक है, ऋणेतर पूर्णांक में ऋण को नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू, और धनात्मक पूर्णांक लिखा है मतलब कि वो वन टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए आगे, हाँ अगर इसमें ऋणात्मक पूर्णांक लिखा रहेगा, ऋणात्मक पूर्णांक लिखा है तो माइनस रहेगा, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखा है मतलब माइनस वन माइनस टू ये सब रहेंगे। देखिए आगे, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन जब x लेस देन वन होगा तब 2x माइनस 3 मिलेगा, 3x माइनस 2 मिलेगा, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब 4x स्क्वायर माइनस 3x मिलेगा, ठीक है। हमें क्या कहना है कि fx पर लिमिट क्या होती है और क्या वह विद्यमान है, मतलब एग्जिस्ट करता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर विचार करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 0 1 माइनस, तो उसमें h लगा दिए तो 1 माइनस h हो गया, क्योंकि पहले क्या था 0
माइनस था यहाँ पे, ठीक है, माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस जो है पावर में लग रहा है यहाँ पे, तो वन माइनस जो है एक्सटेंस टू वन माइनस हो गया, तो वन माइनस एच लिख दिए यहाँ पे क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं और एच टेंस टू जीरो हो गया जाएगा, तो फंक्शन जो है अब वन माइनस एच है लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वन के लेस हो जाएगा, ठीक है, एक्स जो है वन के लेस देन हो जाएगा, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो वन है ये जीरो है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी लेते हैं तो ये जो हमारा रियल लाइन है, ठीक है, जीरो वन टू थ्री इसे सारे नंबर्स रहते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो अगर वन माइनस यहाँ पे लिखा हो इसका मतलब कि हम लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं किस पे, वन पे, एग्जैक्टली हम वन पे नहीं है लेकिन वन की ओर जा रहे हैं, और अगर वन प्लस लिखा हुआ है मतलब कि राइट साइड से वन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, वन प्लस लिखा है मतलब कि वो राइट साइड से वन की ओर आ रहा है, लगभग वन के बराबर होगा, वो एग्जेक्ट वन के बराबर हम नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर भी हम उतना लेते हैं, इसलिए यहाँ पे वन माइनस एच लेते हैं ताकि वन के इक्वल ना हो, कम से कम थोड़ा ना थोड़ा वो वन से कम हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थ्री और एक्स जगह पे क्या जाएगा, वन माइनस एच आ जाएगा, देखिए एक्स जगह पे आ गया वन माइनस एच आ गया माइनस टू, ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री माइनस थ्री एच माइनस टू हो जाएगा, थ्री माइनस टू इक्वल टू वन आ गया माइनस थ्री एच, माइनस थ्री एच, एच टेंस जीरो पे एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बचेगा क्या, वन बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू वन आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स जो है एक्स टेंस टू वन प्लस पे, ठीक है, मतलब हम राइट साइड से आ रहे हैं वन की ओर, तो देखो वन प्लस एच हो जाएगा मतलब कि वन से थोड़ा सा ज्यादा है, एक्जेक्ट वन नहीं है, वन से थोड़ा सा ज्यादा है, तो देखो जब वन से ग्रेटर होगा तब क्या होगा, वन से जब बड़ा होगा उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू, तब एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, देखो फोर एक्स स्क्वायर एक जगह पे क्या आ गया, वन प्लस एच आ गया, और एक्स जगह पे वन प्लस आ जाएगा एच आ गया, ठीक है, यहाँ पे वन प्लस एच वहाँ पे वन प्लस एच, तो फोर इंटू वन प्लस एच होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस एच, ये हो गया। इसको पहले थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, तो वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच हो जाएगा माइनस थ्री वन प्लस एच हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फोर प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस एट एच माइनस थ्री माइनस थ्री एच, देखो फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन आ गया, फोर एच स्क्वायर को फोर एच स्क्वायर लिख दिए, और एट एच माइनस थ्री एच इक्वल टू फाइव एच आ गया, अब एच टेंस टू जीरो पे हमें क्या मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ वन मिला, तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वन है राइट हैंड लिमिट भी वन है तो दोनों की वैल्यू वन आ रही है, तो इसकी लिमिट हमें क्या मिल जाएगी, वन मिल जाएगी, दोनों अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट विद्यमान है करके, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या होगी, वन होगी, ओके। देखिए आगे एक और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जब भी e to the power 1 by x या फिर e to the power x का कोई भी वैल्यू आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पढ़ के जाया करो, ठीक है। देखिए लिमिट जो है x टेंस जीरो पे e to the power 1 by x अपॉन e to the power 1 by x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मूल्यांकन करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पर विचार करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, e to the power 1 by x के जगह जीरो माइनस एच रख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच, एच टेंस जीरो पे जीरो माइनस एच आ गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन बाई एच, और यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस वन बाई एच, क्योंकि जीरो माइनस एच की वैल्यू माइनस एच मिलती है और वन बाई माइनस एच की वैल्यू माइनस वन बाई एच मिल जाएगी, इसलिए ई टू द पावर माइनस वन बाई एच, यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस वन बाई एच। अब देखो जब एच टेंस टू जीरो कहते हैं तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस वन बाई जीरो मतलब कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट अपॉन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस वन, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है, अपॉन जीरो प्लस वन हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी जीरो अपॉन जीरो प्लस वन क्योंकि यहाँ पे वन है, ठीक है, जीरो अपॉन जीरो प्लस वन आ गया तो जीरो अपॉन वन आ जाएगा, जीरो अपॉन वन तो जीरो अपॉन वन की वैल्यू जीरो। राइट हैंड लिमिट पर विचार करने पर देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया, अब देखते हैं राइट लिमिट हमें चेंज करना पड़ेगा और क्यों चेंज करना पड़ेगा बताऊंगा अभी। देखिए ई टू द पावर वन बाई एक्स है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच रख देंगे, वन बाई एक्स जगह पे वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई जीरो प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वन बाई एच आ गया, सेम वही यहाँ पे ई टू द पावर वन बाई एच आ गया प्लस वन आ गया, ठीक है।
अब देखो यहां से क्या किया गया है, e टू द पावर 1 बाई h को बाहर निकाल दिया गया है। कैसे निकाला गया है, e टू द पावर 1 बाई h बाहर में ऊपर में तो है ही, यहां से e टू द पावर 1 बाई h को बाहर निकालेंगे e टू द पावर 1 बाई h को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई h यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई h आ जाएगा। अब जब हम h टेंस टू 0 कहते हैं यहां पे, तो यहां पे क्या मिलेगा हम लोग को, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये तो हो गया हमारा 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार क्यों मॉडिफाई किया गया है, कि अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे h टेंस 0 कहते तो क्या हो जाता, e टू द पावर इनफाइनाइट अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट प्लस 1, तो e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है अपॉन और ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता। अगर ऐसा आता है तो इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें कुछ चेंज करके उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, अपरिभाषित कहते हैं इसको, ठीक है, अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है, इसको अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस क्या किया, यहां से e टू द पावर माइनस 1 बाई h को 1 बाई h को पहले बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई h, और जब इसमें इनफाइनाइट रखते हैं तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, 1 प्लस 0 आ गया, जिससे हमें मिल गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिली, 0, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब कि सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देखिए आगे दो क्वेश्चन और है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नया फंक्शन से डिफाइन, यहाँ पे नया फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है ये, f is equal to, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, x से बड़ा नहीं, जो दर्शाता है, ठीक है, x से बड़ा नहीं, इसको बताता हूँ इसका, जैसे कि हम लोग मॉड का पढ़े, मॉड एक फंक्शन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन, x जब x ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस x जब x लेस देन 0 हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है, x इसका डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि 0 मिलेगा, 0 कब मिलेगा, जब 0 से 1 तक, x जो है 0 से 1 तक रहेगा, 1 को नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लेंगे, 1 को लेते हैं, तो 1 से लेकर के ये कहां तक जाएगा, x 2 तक जाएगा, 2 को नहीं लेना है, मैं यहां पे इक्वल लिख दूंगा तो वो 2 को भी लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पे 2 को नहीं लेना है, 2 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, ये इसका फंक्शन का डेफिनेशन है, माइनस 1 जब माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, माइनस 2 जब माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन माइनस 1, ठीक है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको मैं रियल लाइन में भी डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा होता है, जब भी हम ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब हम 0 लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जब 0 लेंगे तब तो 0 मिलेगा, ठीक है, जब 1 लेते हैं तब भी 1 मिलेगा, लेकिन अगर 0.5 लेते हैं तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब कि उसके पहले की वैल्यू, अगर यहां से यहां तक के बीच में, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं 0 से 1 के बीच में, तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, जैसे 0.7 हो गया तब 0 मिलने वाला है, 0.8 हो गया तब भी 0 मिलेगा, और 0.9 हो गया, 1 तक पहुंच गए तब भी वो हमें 0 मिलेगा, और इसी को अगर और बढ़ा दिया जाए 0.9999 भी कर दे, अगर जब तक 1 नहीं आएगा तब तक वो क्या मिलेगा हम लोग को, 0 मिलेगा, जब 1 आ गया तब हमें 1 मिलेगा। सेम वैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1.5 लिखा है कहीं पे, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद में 1.76 लिखा है तब भी हमें 1 मिलेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब कि वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन लिखा हुआ है वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको याद रखना, जब भी 0 से 1 तक हमें कोई वैल्यू मिलेगा तो वो हमें 0 देगा, 1 से 2 तक अगर मिलने वाला है, 2 को छोड़ के,
वन से टू तक अगर मिलता है, टू को छोड़ के, तो हमें वापस से उसे वन लिखना पड़ेगा। टू से थ्री तक है अगर, तो हमें टू लिखना पड़ेगा उसको। अब देखिए हम आते हैं हमारे फंक्शन पे। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस वन से वन जीरो तक है, यहाँ पे बीच में जीरो वैल्यू है, जैसे कि जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, क्योंकि इस बीच में है तो लेफ्ट वाली वैल्यू मिलती है। माइनस वन है तो माइनस वन ही मिलेगा, जीरो है तो जीरो मिलेगा। लेकिन जीरो पॉइंट माइनस में अगर जीरो पॉइंट वन है तब भी हमें क्या मिलेगा, अब इसके आगे निकल चुके हैं, अब जीरो पे तो नहीं है, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू है, तो जीरो पॉइंट वन पे यहां तक निकल चुके हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो माइनस वन ही मिलेगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसके बीच में आते हैं, माइनस वन पॉइंट फाइव है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके हैं, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को हमें लेनी है। ठीक है, तो देखिए अब बहुत सा हो गया इसमें एग्जाम्पल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, वन माइनस, ठीक है, वन माइनस लिखा है। अब फंक्शन जो है एक्स ही लिखा है तो वन माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब फंक्शन अप्लाई करते हैं लिमिट जो है एच टेंस टू जीरो है, ठीक है, और वन माइनस एच है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जीरो को अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं जीरो वन टू, जीरो वन टू, ठीक है, ये वन जीरो, तो 1 माइनस एच लिखा है, मतलब 1 से कम थोड़ा थोड़ा कम होगा ही, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, अगर एच की वैल्यू 0.5 होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो अगर एच से थोड़ा सा भी कम है, मतलब कि 1 से थोड़ा सा भी कम हो रहा है, मतलब किसमें आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लाई कर दिया गया है फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच हमें क्या मिलने वाली है, जीरो, क्योंकि 1 से हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या मिलने वाली है इसकी, जीरो, ठीक है, तो एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब वन प्लस पे जाते हैं, ठीक है, जब वन प्लस होगा मतलब फंक्शन जो है जीरो प्लस वन प्लस एच हो जाएगा, वन प्लस एच का मतलब हो गया एच की वैल्यू बहुत छोटी होती है वैसे भी, तो थोड़ा सा हम वन के आगे निकल गए, वन के थोड़ा सा आगे निकल गए, और हम जानते हैं कि वन से टू तक अगर कुछ भी वैल्यू है तो हमें क्या मिलेगा, वो वन ही वापस से मिल जाएगा, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वन, इसलिए फंक्शन ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, वन, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसकी लिमिट क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो और राइट हैंड लिमिट हमें मिल गया वन, तो दोनों के दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट विद्यमान नहीं है करके, ठीक है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लो कि एक फलन एफ एक्स परिभाषित है, ठीक है, एफ एक्स परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू वन होगा, कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और फोर होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो हमें जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो देखना हमें क्या क्या आता है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, तो बड़ा हो गया था छोटा होगा, तो जब एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब कि राइट हैंड लिमिट हो गया, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी वन मिलेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी वो वन के इक्वल होगा, ठीक है, जब ग्रेटर देन जीरो है तब भी वन के इक्वल है और लेस देन जीरो है तब भी वो वन के इक्वल है, ठीक है, मतलब कि राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिल गया, वन मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया हम लोग को, वन मिल गया, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब इसका यूज होगा, ठीक है, जब x इक्वल टू जीरो होगा तब इसका यूज होगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन आ गया, राइट हैंड लिमिट भी वन आ गया, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों वन आ गया, मतलब कि दोनों इक्वल भी है तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और दोनों की लिमिट जो है वन आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट क्या होगा हमारा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, वन, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिट क्या होगी हमारी, वन होगी, ओके। देखिए आगे, अच्छा ये हमारा लास्ट स्लाइड था, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।